एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान आज रिहा करेगा, वाघा बॉर्डर पर होगा शानदार स्वागत। तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, किसी भी स्थिति के लिए सेना के तीनों अंग तैयार, F-16 का इस्तेमाल होने के सबूत दिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, सरकार से पूछा कितने आतंकी मारे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज मुंबई और महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा। आम आदमी पर महंगाई की मार, सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.08 रुपए और गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 42.50 रुपए महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुस्लिम देशों के मंच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए अबूधाबी पहुंची, विदेश मंत्री आज बैठक को संबोधित और द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। आतंकवाद के खिलाफ जंग तेज, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के बेटे पर $1 मिलियन का इनाम रखा। और वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में GDP विकास दर 6.6% रही, पहली और दूसरी तिमाही के मुकाबले गिरावट।